ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا فالله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأتم تعودون أيها الأبي آدم हमने तुम्हारे ऊपर लिबास नाजिल किया है जो तुम्हारे जिसी के काबिल शर्म हिस्सों को झांपता है और जो तुम्हारे लिए जिसी की हिफाजत है और तुम्हारे जिसी की जेब जीनत का सामान है। और हकीकत यह है कि लिबास से तकवाही का बेहतर होता है। ये अल्लाह की वह हिदायतें हैं जो उसने दी हैं ताकि तुम नसीहत सको। ऐ आदम के बेटो, शैतान तुमको एक बार फिर न गुमराह कर दे जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप की जन्नत से निकलवाया था। उनके कपड़े उसने उतरवा दिए थे ताकि उनके किसी के काबिल शर्म हिस्से उनको दिखाओ। जैसे वो शैतान और उसका कबीला देखता है उस जगह से जहाँ से तुम इसे नहीं देख सकते। हमने लोगों का जो ईमान नहीं रखते हैं शैतानों को दोस्त बनाया है। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है, इसका हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है। आप इनसे कहें अल्लाह इसका हुक्म नहीं दिया करता है, क्या तुम अल्लाह पर वो बात कहते इसका तुम्हें इल्म नहीं है। आप इनसे कहें मेरा रब तो इंसाफ का हुक्म देता है और इस बात का कि तुम अपने चेहरे हर नमाज में उसकी तरफ करो और इसको दीन खालिद करते हुए उतारो और ये कि तुम जिस तरह पैदा किए गए हो उसी तरह वापस लौटाए जाओ। या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन, ऐ बनी आदम ऐ आदम के बेटो हमने तुम्हारे लिए लिबास को नाजिल किया। दरमियान में एक हफ्ते का चीजें फसल हो गया इसलिए मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछली आयात में जो तस्करा था वो तस्करा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। दूसरा दुनिया में तस्वीर लाए फिर वो ममनू दरख्त उन्होंने खाया उनके लिबास उतर गए आदम और हव्वा वो दोनों अपने जिस्म को झांपने लगे। जब पत्तों से जन्नत के फंसने लगे इस पूरे वाक्य को अल्लाह ने बयान फरमाया है जिससे जाहिर होता है कि शर्म हमारी फितरत में शामिल, शर्म इंसान की फितरत में शामिल, बेहयाई इंसान की फितरत नहीं है बल्कि शर्म इंसान की फितरत में शामिल है और गुनाह का दरवाजा जो है वो बेशर्मी है। शैतान ने इंसान को शिकार करने के लिए जो सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा चुना वो ये था जो उसको ग्रहणा कर दिया उसके किसी के काबिल शर्म हिस्से उसको दिखाए। तो हया जो इंसानी किरदार का सबसे बड़ा जीत है और जो अल्लाह से जोड़ती है हया यही वो चीज़ है जो गुनाह से हमें रोकती है। इंसान ने इसी हया को सबसे बड़ा निशाना बनाया शैतान ने और कपड़े उतरवा दिए फिर वाकई अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया है। और इसी दिन में अब अल्लाह ताला लिबास की अहमियत से जो तमद्दुन में है उसको बयान फरमा रहा है। इस बात को पेश नजर रखते हुए कि शर्म ही जो है वही दसवीं दीन की असल है। हुजूर अकरम हसन ने साथ फरमाया कि इज़ा लम तस्तहयी फ़स्ना माती इन्नमल हयाउ मिनल ईमान, हया जो है वही ईमान है। इंसान के अंदर गुनाह और शर्म की पहचान है और शर्म की पहचान क्या चीज मुझे करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए गुनाह से रोकने वाली जो ताकत है वो इंसान की हया और हया का जब हमला होता है तो इंसान का पूरा किरदार मुतासर होता है। उस अहमियत को वाजे करने के लिए अल्लाह ताला ने आयत बयान फरमा रहा है। और एक तस्वीर को आप याद रखें कि खाने काबा में जब हज होता था तो सारे जो कुरैश उनके मेज़बान होते थे हजरा से लोग आते थे हज करने के लिए तो उनको ये इजाज़त नहीं थी कि वो कपड़े पहने, उनकी औरतें और मर्द नंगे और गहना होकर सवाब करते थे खाने काबा।
सिर्फ कुरैश थे जो कपड़े पहनते, कुरैश कपड़े पहनते थे, बाकी बाहर से आने वाले दीगर कबाइल थे वो कपड़े नहीं पहनने देते। ये इसका पस मंजर है और उसको बुनियाद बनाकर अल्लाह तबारक व तआला याद दिला रहा है। इसलिए कहा यहाँ बनी आदम, ए आदम के बेटो, ये अल्लाह ताला इसी याद दिला रहा है आदम के बेटो कि तुम उसी आदम के बेटे हो जिसके कपड़े शैतान ने उतरवाए, इसी आदम के तुम बेटे। या बनी आदम, ए आदम के बेटो, शैतान ने तुम्हारे बाप से शिकार किया था ताकि इसके जरिए से गुनाह का दरवाजा खुला जाए, हयात पर हमला किया था, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होगा क्योंकि तुम उसी बाप के बेटे। या बनी आदम, ए आदम के बेटो, कद अंजलना अलैकुम लिबासन, हमने लिबास तुम्हारे पर नाजिल किया, यानी लिबास को तुम्हारी फितरत में शामिल किया है। लिबास तुम्हारी फितरत की जरूरत है, तुम्हारे दिल खुद पुकारता है कि मुझे लिबास की जरूरत है। रहना रहना नंगा रहना इंसान को अच्छा नहीं लगता, इंसान की फितरत अंदर से पुकारती है कि मैं जानवर नहीं, मुझे जानवरों से अलग होना चाहिए, मुमताज होना चाहिए। जानवर रहना रहते हैं, मुझे लिबास में रहना चाहिए। यही है उतारना, अल्लाह को उतारना, यानी दिल में वजिया किया है जज्बा, कैसा लिबास मौजूद है, कैसा लिबास शरीफाना है, कैसा शरीफाना नहीं है। आदमी गदिल अच्छी तरह पहचानता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, कैसा लिबास शरीफाना है कैसा नहीं है उसकी अहमियत को लगा लिखा करना रहा है कि हमने तुम्हारे पर लिबास को नाजिल किया है। युवारी सौआदिकुम वरीसा, और इस लिबास के दो मकसद हैं। पहला मकसद तो यह है कि ये तुम्हारी शर्मगाह को छुपाता है, युवारी सौआदिकुम, तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ही छुपाता है, वरीसा। और दूसरा मकसद ये है कि तुम्हारे लिए जीनत का सामान बनता है, तुम्हारी शख्सियत को वकार अता करता है, तुम्हें सर्दी और गर्मी से बचाता है। रीछ यानी तुम्हारे जीवन की स्वास्थ्य का इंतजाम करता है। रीछ कहते हैं जानवर परिंदों के जो पर होते हैं उनको कहते हैं, चिड़िया के पर हैं, चूजे के पर हैं, उसको कहते हैं रीछ अरबी में। तो ये उसको रीछ जीनत होते हैं, खूबसूरत लगती है चिड़िया परों की, परिंदे खूबसूरत लगते हैं और फिर उनको सर्दी गर्मी से बचाते हैं ये पर। लिबास इंसान के लिए शर्मगाह को छुपाने का जरिया है पहली बात, और दूसरी बात यह कि उसके लिए जीनत का सामान है और उसके लिए वो सर्दी और गर्मी से बचाव का सामान है। तो ये दो मकसद है, जिनकी जेब जीनत और उसका आराम, और खतर यानी सर्दी के काबिल शर्म हिस्से को छुपाना। इसमें पहली चीज को अल्लाह ताला ने पहले बयान फरमाया जो ज्यादा अहमियत की चीज है, यानी अब सबसे पहले मकसद है अपने जिस्म को छुपाना, अपनी शर्म की हिफाजत करना, अपनी हया की हिफाजत करना, पहला मकसद लिबास का ये है। और दूसरा मकसद है जीनत, जेब जीनत और आराइश और आराम देना, ये दूसरा मकसद है, पहला मकसद नहीं। अब लोग इन लिबास का सही तस्वीर आपको इस्लाम ने दिया, कुछ लोगों ने लिबास को समझा रईस यानी जेब जीनत का सामान बस, अब उसमें चाहे किसी भी हयाई है, जैसे मगरबी अकवाम लिबास में जीनत तो है, फैशन शो हो रहे हैं, मॉडल शो हो रहे हैं, तरह तरह के जीजा जेब लिबास लड़कियां पहन पहन के दिखा रही हैं, उसमें जीनत का तो अंसुर है, आराम का अंसुर है, लेकिन तसत्तुर का नहीं। जिसम के सारे आजाद रहना है, जो छुपाने चाहिए वो सारे के सारे रहना है, छुपाया नहीं जा रहा। कुरान करीम अवलीन मकसद करार दे रहा है तसत्तुर को, यानी लिबास का पहला मकसद जो है वो ये कि जिस्म के काबिले शर्म हिस्से छुपाए जाएं, ये लिबास का पहला मकसद। युवारी सौआतिकुम, जिस्म के काबिले शर्म हिस्से छुपाए जाए, अपनी शर्म हया की हिफाजत की जाए, ये है पहला मकसद। वरीसा और जीनत बने ये तुम्हारे जिस्म के लिए और आराम का, यह है इसका दूसरा मकसद। किसी ने इसको सिर्फ रीत समझा है, किसी ने इसको सिर्फ तसत्तुर का सामान समझा है। गुजरी आप लपेट लीजिए इससे तसत्तुर हो जाएगा, आपके जिस्म के आजाद छूट जाएंगे, लेकिन उससे जीनत नहीं होगी, आपकी शख्सियत में वकार नहीं आए, आप खूबसूरत नहीं लगेंगे, शराफत नहीं आएगी, आपकी शख्सियत नहीं निकलेगी। कुरान कह रहा है ये गलत है, लिबास सिर्फ तसत्तुर के लिए नहीं है बल्कि वो जीनत के लिए भी है। कुछ लोग लिबास को सिर्फ जीनत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मगरबी अकवाम है उनकी औरतें कपड़े बड़े बड़े जीजेब पी रही हैं, लेकिन उसमें पर्दापोशी का मफूम नहीं है। जिनकी जो मस्तूर आजा है, जिनको छुपाना चाहिए, वही सब ज्यादा जाहिर है उनके लिबास में। उन्होंने लिबास का मकसद करार दिया रीस, लेकिन तफक्कुर को नहीं। कुछ लोगों ने तफक्कुर को दिया लेकिन रीस को नहीं दिया। और हमारे जो बिरादरान वतन है, जो लिबास के नाम पर बाबर ने भी लिखा है, जो लंगोटी जेबे तन करते हैं,
उसमें ना तो रीति है न संस्कृति है, ना तो आदमी के आदाई छुपते हैं, ना कोई रिवायती आती है, अजीब किस्म का लिबास है, कोई आराम आराम नहीं है। बस एक ही आराम है कि जब आदमी ऊपर चढ़ रहा हो या उतर रहा हो तो ज्यादा हवादार साबित होता है, ना तो उसमें तसत्तु है ना उसमें रीत, दोनों ही मकसद बहुत अहम है। इस्लाम कहता है ये दोनों मकसद होने चाहिए तुम्हारे लिबास, तुम्हारे जिसके काबिले जो मशहूर आजा है वो भी छुपने चाहिए और तुम्हारी शख्सियत जिससे वकार हो उसमें भी मिलना चाहिए। ये तो ये तुम वरी था और कुरान करीम इस तसव्वुर की नफी कर रहा है कि नंगा रहना कोई काबिल फख्र चीज है। बाद मजाहिब ने तो नंगा रहने को गृहनगी की इबादत करार दिया है, कपड़े उतार फेंक दिए इसकी बड़ी इबादत उनके नजदीक कोई नहीं। हेलो राजंता के घर देखें आप, गुफाएं देखें जो हमारे बिरादरान, ये तो आजा एजेंसी को पूछ डालते हैं और सितम तो ये है कि औरतों से मर्दों के आजा को पूछवाते हैं, मर्दों से औरतों के आजा को पूछवाते हैं। ये सितम शिवलिंग की पूजा हो रही है खासतौर से औरतों की गुफाएं, पूरे मजहब की बुनियाद जो है सहबानियत और गृहनगी उनके मजहब का जूस है। आप देख नहीं सकते उनकी जो मंदिरों में मतलब अजंता के मंदिरों में जो तस्वीर है दीवारों पर, कोई इंसान उसको देख नहीं सकता, इसलिए बहुत सर इतनी गहना ये मजहब है। आचार्य नेक्स्ट जो है बाकायदा बड़े बहुत बड़े मजहबी मुफक्किर, पुणे में उनका आश्रम है पूना फाउंडेशन आशु फाउंडेशन, उनका तो मजहब ही ये है कि नंगे रहिए बस यही इबादत है, कपड़े का तार जिसम पर नहीं होना चाहिए। टीवी वाले पहुंच गए उसे इंटरव्यू लेने के लिए तो उनका इशार था कि नहीं मैं तो यूं ही नंगा रहूंगा इंटरव्यू दूंगा। लोगों ने कहा ये तो गलत है, मुकदमा भी चला गृहनगी का, कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा ये तो हमारा धर्म है और भारत के आईन में धर्म में मुदाखलत नहीं की जा सकती है, नंगे खड़े दौड़ेंगे, जजों की आगे झुकी जा रही है, वकीलों की आगे झुकी जा रही है, इनके हमारा धर्म है। मैंने खुद देखा एक बार मुजफ्फरनगर में एक मजहबी बाल योगेश्वर जी तस्वीर लाए, मजहबी महात्मा धर्मात्मा थे कोई, सुबह से सज रहा पूरा शहर डेकोरेट हो रहा है, धनी क्या है क्या चीज है, लड़कियां सज बन के जा रही नंगे पैर, ना तो खदा लड़कियां जो कुंवारी लड़कियां नंगे पैर जा रही, जोक था जोक भी सिर्फ आपकी तरफ मालूम है कि आज कोई विश्व जी आ रहे हैं जिन्हें कौन आ रहे हैं, ठीक है हम जाकर देखें। तो एक साहब अच्छे खासे जवान खाए पिए सेहतमंद कहीं से गुजरे बड़ी छान है बेनियाजी के साथ, जिसमें का एक तार उनके तरफ और घेरे गए उनको खवातीन, खवातीन भी वो गैर छात्र लड़कियां, उसके बाद बेचारी वैसी खवातीन जो चार रफ्ता किस्म की थी, उसके बाद जो थे वो मर्द सबसे आखिर मर्दों का नंबर था और सबसे आगे आप जो आगे थी वो लड़कियां जिन्हें सबसे पीछे होना चाहिए वो सबसे आगे रखती है। मजहब के पर्दे में औरियानियत की तलकीन, मजहब के पर्दे में फहाशी की तालीम दीगर मजाहिब ने अपनाई और उनकी तकलीफ हुई और जनाब इस स्टेज पर खड़े हुए मजमा नीचे बैठा वो ऊपर बैठे, और इतना भी होता तो ठीक था खड़े होकर तकलीफ, और इतना भी होता तो ठीक था बेसी भी तकलीफ फरमाई। अब मैंने कहा यह धर्म एक इस्लाम है जो कहता है कि गृहनगी का कोई ताल्लुक तकद्दुस से नहीं, गृहनगी तकद्दुस नहीं है, इंसान की फितरत में शर्म हया और शर्म हया का तहफ्फुज करना ये इंसान का बुनियादी है, यही चीज है जो आदमी को जानवर से मुमताज करती है। जानवर है, जानवर के भी फर होते हैं, परिंदों के फर होते हैं, बाल होते हैं, खाल होती है उनकी, उनके लिए खाल लिबास का काम देती है, परिंदों के फर लिबास का काम देते हैं, लेकिन वो सिर्फ रीत होते हैं यानी उनकी खूबसूरती के लिए होते हैं और उनको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए होते हैं, उनको तसत्तुर के लिए नहीं होते हैं, कोई आजा मसूर का छुपाना मकसद नहीं होता, जानवरों में ऐसी कोई अहमियत नहीं है। उनके यहाँ अहमियत यह कि लिबास रीत बन जाए उनके लिए, यानी जीनत का सामान बने या सर्दी गर्मी से बचाए। आजकल के जदीद मुफक्किर भी इंसान को हैवान की जगह ले जा रहा है, वो कह रहे हैं लिबास का मकसद जो है वो खाली जीनत है, ये जीनत होना चाहिए जैसे जानवरों के लिए जीनत है पर, या आराम सर्दी गर्मी का जैसे जानवरों के लिए है, आदमी को जानवर की जगह रखे दे रहे हैं, बस ये मकसद है। चलाओ कोई मकसद जदीद थिंकर जो है खलील जबरान साहब बहुत बड़े थिंकर हैं, एक क्रिश्चियन थिंकर हैं और वो फरमाते हैं किताब है मेरी सुनो किताब, उसमें फरमाते हैं कि ये हवाएं इसलिए नहीं चलती हैं कि तुम्हारे कपड़ों से लौट कर वापस हो जाएं, और ये धूप की गर्मी इसलिए नहीं निकलती हैं कि तुम्हारे कपड़ों से टकरा करके मुरझा जाएं, ये गर्मी तुम्हारे जिस्म से लिपटना चाहती हैं, ये हवाएं तुम्हारे जिस्म को आगोश में लेना चाहती हैं, यानी कपड़े उतार फेंको और हवाएं और धूप जो है वो हासिल करें। ये संवाद बाकायदा ये हमारा ये फैशन है आज के मुफक्किरीन फरमाते हैं कपड़े आप उतार फेंकिए सेहत का बेहतरीन तानिश है, संवाद हो रहा है आप फिल्म में जाइए
नहा रही हैं खवातीन, बिकनी पहन के नहा रही हैं, कहीं बिकनी के उतार फेंक देती हैं, ज्यादा जहां मॉडर्न है, ज्यादा जहां दानिश्वर है, ये शैतान का फेज, ये शैतान इसको दानिश्वर और तरक्की करार दे रहा है। फन बात इसको कहते हैं, फ्रेंच बात इसको कहते हैं, ये फ्रेंच बात है, ये सेहत का राज है। ये हमारे हिंदुस्तान में तो हमेशा से ये फैशन रहा है फ्रेंच बात का, और बच्चे तो गाँव में देहात में 11-12 साल के बच्चे अभी फ्रेंच बात करते हैं। ये तो हमारी कदीम कल्चर है, कोई नई बात नहीं है, जो कदीम नहीं दे रहा है। इस्लाम लिबास का सही कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है कि वो सवात के लिए, वारी सवात ही तुम नंबर एक, सबसे पहला मकसद ये है कि तुम्हारे सदर को छुपाए, तुम्हारे सर मुहैया की हिफाजत करे। दूसरा मकसद ये है कि वो तुम्हारे लिए जीनत का सामान बने। ये भी नहीं कि खाली बस सदरी छुपा लिया, गुदर लपेट लिया, अपने बस हो गया काम। मैं लिबास से आपकी कसूस में वकार आना चाहिए, लिबास मौजू होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। दुनिया से इस्लाम जो है आपको निकाल के फेंक देना नहीं चाहता, तो देखिए कितना मोतदिल तसव्वुर है। ना वो राहिबों का जोगियों का सके बस बदल ढक लो, ना मगरबी मुफक्किरीन का सके उतार के फेंक दो कपड़े, बस खूबसूरती का ख्याल रखो, बल्कि दोनों को कंबाइन करके इस्लाम चल रहा है। यवारी सवाती तुम वारी वलिबास तकवा जालिक खैर, और तकवा का जो लिबास है दरहकीकत वही बेहतर होता है। तकवा का लिबास यानी एक इंसान के जो अंदरूनी लिबास है बातिन में शर्म हया जो इंसान चाहता है, यही लिबास हकीकत में जब इंसान के दिल में आता है तो बाहरी जाहिर लिबास की शक्ल में नमूदार होता है। जब अंदर ही से आदमी नंगा हो तो बाहर भी नंगा रहना चाहता है, अंदर से उसके अंदर बेहयाई है, बेशर्मी है, बाहर लिबास की क्या जरूरत है। शैतान ने इसलिए उतारे कपड़े आदमी के कि अंदर से बेहयाई आए। जब ऊपर के कपड़े उतरते हैं तो अंदर बेहयाई आती, जब अंदर बेहयाई होती है तो ऊपर के कपड़े उतरते। पहले आदमी अंदर हया का लिबास पहनता है, बाद में कपड़ों की शक्ल में जाहिर होता है। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं मगरबी अकवाम कि इंसान को हया से महरूम करने का तरीका यह है कि कपड़े उतार दिए जाए, और जब कपड़े उतर जाएंगे तो इंसान के लिए गुनाह का दरवाजा खुल जाएगा, खुल जाएगा तो इंसान खैर खैर की तमीज से बेनियाज हो जाए। इसलिए वो सबसे पहले कपड़े उतरवाने की कोशिश करते हैं, औरत के कपड़े उतरवाने की कोशिश करते हैं। कल्चर है क्या है, केबल कल्चर का जो हमला है आपके ऊपर, आप देखें स्टार कल्चर के जितने प्रोग्राम आते हैं, जी टीवी के जितने प्रोग्राम आते हैं, वो क्यों क्यों कपड़े उतार उतार के दिखा रहे हैं अपनी माँ बहनों के, हमें अपनी माँ बहनों को सबके कपड़े हिंदुस्तानियों से नहीं कह रहे हैं आप अपने कपड़े उतारिए, वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, वो तो अपनी माँ बहनों के कपड़े उतार रहे हैं कि देखिए हमारी बहनों को मुलाजा कीजिए, इनका जिस्म देखिए, इनकी टांगे मुलाजा कीजिए, इनके हाथ मुलाजा फरमाइए, कैसी खूबसूरत है हमारी माँ बहन, आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। पहले उन्होंने आपको चाय पिलाई, जब इंडिया में चाय का रिवाज नहीं था तो सबको फ्री चाय पिला देते थे, कि बाद में जब ये आदि हो जाएंगे तो खुद ही चाय पियेंगे, हमसे नहीं कहेंगे फिर। अभी फिलहाल वो अपनी माँ बहनें दिखा रहे हैं ताकि कल को आपको अपनी माँ बहनों को नंगा करेंगे, देखा देखी फिर वो आपकी माँ बहनों को मुलाजा करेगी। रिश्वत में अभी अपनी औरतें आपको दिखा रहे हैं ताकि कल को आपकी औरतें देखें, ये एक कल्चरल एक्सचेंज है। कपड़े उतरवाएंगे आपसे वो ताकि आपके अंदर जो ये एक खुदा ने मुहाफिज दिल को करार दिया है, जो तकवा जो खैरशर में फर्क करता है, ये हया जो गुनाह से आपको बचाती है, ये हया आपकी मर जाए। इसलिए सब जानते हैं सबसे पहले औरत के कपड़े उतरवाते हैं आजादी के नाम पर। बेहयाई आएगी तो हर चीज आएगी, बेहयाई आएगी तो दीन दुखद हो जाएगा। ये नफ्सियाती राज को अच्छी तरह जानते हैं, तो ये सबसे बड़ा टेक है। शेर में, शायरी में, गीत में, गजल में, फिल्मों में, टीवी पर, हर जगह कपड़े उतारने की जद्दोजहद जारी है कि किस तरह कपड़े उतर जाए। और जब कपड़े उतरेंगे तो सब चीज उतर जाएगी, सब चीज अंदर का लिबास तकवा भी उतर जाएगा। इसके सदन अच्छी तरह जानता है तो वो लिबास तकवा डालेगा खैर, कुरान कह रहा है तकवा का लिबास इसकी ताकत करो, दिल से जाहिर में जो तुम्हारे तकवा छुपा हुआ है, ये जो अल्लाह ताला ने एक मुहाफिज तुम्हारे दिल में पैदा किया, ये जो खैर में फर्क करता है, इसकी हिफाजत करो, यही तुमको गुनाह से बचाएगा। इसको बचाओ, अपने निगाहों को पाक दामने की हिफाजत करो, निगाहों को पाक रखो। शैतान ने तुम्हारे बाप के कपड़े उतरवा कर यही कोशिश की थी कि तुम्हारी निगाहें बेराहरा हो जाए, कि तुम्हारे अंदर बेहयाई के जज्बा पैदा हो जाए, यही कोशिश की। वो एक बार फिर करेगा क्योंकि वो तुम्हारे बाप के साथ ऐसा कर चुका है। तो लिबास तकवा तैयार करो तुम। कुरान करीम ने किसी लिबास के ऊपर कोई कैद नहीं लगाई, आप ये पहनिए ये मत पहनिए, कोई टेलर मास्टर या कोई कटिंग कोई जाविया नहीं दिया गया है इस्लाम में। खूब अच्छी तरह याद रखो, लिबास के लिए उसूल दे दिया अल्लाह ताला ने कि वो रीश है यानी जीनत है, और वो तसत्तुर के लिए है, बस बुनियादी उसूल दे दिए हैं। लिबास से आपका सदर छिपना चाहिए, लिबास से आपकी जीनत होनी चाहिए, लिबास से आपके सिंफी तशक्कुस का पहचान होनी चाहिए। जनखे नहीं है, आप मर्द हैं, आपको अदब का लिबास पहनने की जरूरत नहीं है,
औरतें हैं, उनको जो है जनखा बनने मर्दों का लिबास पहनने की जरूरत नहीं है, तशब्बो नहीं होनी चाहिए, दूसरों का लिबास अपनाने की आपको जरूरत नहीं है, दूसरी कौमों का जो मजहबी इम्तियाज है अगर आप वो पहनने लगे जिसके मतलब आप उनसे मरूब हो गए हैं, आपको दूसरे की तहजीब अच्छी लगती है, आपको दूसरे अच्छे लगते हैं, जब तहजीब अच्छी लगती है तो उनकी नजरियात भी आपको अच्छे लगते हैं, ये उसूल दिए हैं इस्लाम ने, बस चार उसूल दिए हैं। आपके लिबास में तफाखुर नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए कि जिसको पहनकर वो लोग जिनके पास जो उस लिबास को फराहम नहीं कर सकते उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा, ऐसा लिबास पहनने की इजाजत नहीं, सेहत दिन के लिबास पहनने की इजाजत नहीं, टखनों को नीचे पजामा करने की ममानत, इसीलिए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कपड़ा नहीं था, बहुत कम कपड़ा जो था अमानत की अलामत था, किसी के पास इतना कपड़ा धोता नहीं था कि पूरे पजामा पूरा कुर्ता सी ले, इतना कपड़ा धोता नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक जोड़ा सिलवाया सवा दिरहम में, वही जोड़ा सारे मदीने में जाता था हर शादी के अंदर, यह किल्लत का आलम था लिबास। ऐसे माहौल में टखनों के नीचे पजामा, लिबास ज़ूर चाचा रास्ती ने लगवाते थे अपनी इमारत का इजहार करने के लिए, आपने मना फरमाया, तकब्बुर तकब्बुर वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, ये आपने मना फरमाया। तो मालूम हुआ कि तफाखुर जिस लिबास में है वो मना है, तसव्वुर जिसमें नहीं है बिरहना, जीनत तो बहुत है मगर जिस चीज को छुपाने की जरूरत है वही चीज जाहिर है उसमें, उसकी मानियात तसव्वुर की मानियात है। वो लिबास जो दूसरी कौमों का इम्तियाज है, दूसरी कौमों की पहचान है, आप उसे अपनाएं, पता ही नहीं चले कि कौन है, ये पता नहीं चले आप मर्द हैं या औरत हैं, ऐसा लिबास पहनने की पहचान होनी चाहिए कि आप मर्द हैं या औरत हैं, इसलिए तशब्बुह को मना किया गया। मालूम नहीं हो रहा है तशरीफ जा रहे हैं कि पता नहीं आप आ रही हैं कि पापा आ रहे हैं, तो क्या फायदा है लिबास, आदमी की पहचान नहीं हो रही है, उसकी बात हिंदू है कि मुसलमान है पता नहीं चल रहा, ऐसा लिबास पहनने की इजाजत नहीं। आपके लिबास में एक ऐसा उनसुर होना जरूरी है जिसकी ये पहचान हो कि आप मुसलमान है, जिन्हें कहता हूं मिसाल के तौर पर टोपी है इस दौर में बालदार टोपी है मिसाल के तौर पर, यही जाली की टोपी पहनते हैं, ये पहननी चाहिए मुसलमानों को, उनके लिबास का लाजमी उनसुर होना चाहिए, लिबास में कोई एक ऐसा हिस्सा आपकी जरूर होना चाहिए कि पहचान तो हो जाए कि पता नहीं कि सलाम करें कि नमस्ते करें, मालूम ही नहीं होता, घूमते रह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये धोती पहन के आप आ रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। पहले तो नेकटाई को मना करते थे कि ये ईसाइयों की पहचान है, बाद उलमा ने मकरूह कहा, बाद नजायज कहा, बाद हराम कहा, अभी भी उलमा में खिलाफ आया था नेकटाई के लिए, तो कि नेकटाई ये जो लगाते हैं कि ये मकरूह है कि नहीं, कोई भी ऐसा लिबास नेकटाई हो कि बगौल एक तरफ निगार के वो बैग टाई हो जो पहनते ही है गैर मुस्लिम हजरात, वो आप धोती पहन की सिर्फ घूम रहे हैं, इसकी इजाजत आपको नहीं है, क्योंकि दूसरे को पहचानने में दुश्वारी हो जाएगी ये मुसलमान है कि हिंदू, इसकी इजाजत आपको नहीं है, औरत है कि मर्द है ऐसा लिबास पहनने की इजाजत आपको नहीं होगी, लिबास पहनकर भी आप बिरहना रहे ऐसा लिबास पहनने की इजाजत नहीं होगी, तफाखुर जिस लिबास में हो उसकी इजाजत नहीं होगी, ये चार उसूल इस्लाम ने दिए हैं। अब उसके बाद जो चाहे पहनी है आप, तो चाहे पहनी, उसकी कोई कटिंग नहीं है, लोग कहते हैं साहब ये है वो है, ये नहीं पहन सकते वो नहीं पहन सकते, ये उनका लिबास है वो उनका लिबास है, अब मैं शेरवानी पहना हूँ ये कौन सा हुजूर का लिबास, ये टोपी कौन सा हुजूर का लिबास, अब ये शेरवानी क्या है, हिंदुस्तान के राजे महाराजे पहना करते थे पहले, राजे महाराजे पहने बहुत से राजे महाराजों ने पहना, उसके बाद बैंड मास्टर पहनने लगे, बाजा बजाने वाले उस बाद उलमा इकराम पहनने लगे, तो अब ये हुजूर का लिबास होगी, लेकिन अब उलमा की पहचान बन गया, तो लिबास में कोई वो नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन नहीं है लिबास में, ये चार उसूल मजबूत रखना है, तफक्कुर होना चाहिए और जीनत होना चाहिए लिबास को, मजहरा नहीं कि मालवा सरकस से जोकर आ रहे हैं, ऐसी इजाजत नहीं, आदमी का अपना चेहरा बिगाड़ना अपने जिस्म को मजाक के अंदाज में पेश करना शरण जायज नहीं है, बिल्कुल जिसमें आदमी का मजाक बने ये शरण जायज नहीं है, आदमी अपने आप को झूठा बना ले इसकी इजाजत नहीं, उसके पास तशरीफ लाए कहा भी आप बैठे थे ना, गवाही साहब ने मुंह फेर लिया, बाल बिखरे हुए थे उनके, गाड़ी के बाल परेशान थे, आपने फरमाया उनसे तो नहीं कहा था अभी से दूसरे साहबा से आपने फरमाया, क्या इस सबके पास कंघा नहीं है सबने बाल काट ले, और क्या किसके पास पानी नहीं है जिससे अपना मुंह धो ले, या आपने कहा ना गवारी के तौर पर, फिर वो साहबी तशरीफ ले गए और अपने बाल संवारे तराशे और नहा धो करके आए, तो आपने फरमाया क्या तुम्हारी हालत उस हालत से बेहतर नहीं है जिसमें पहले तुम, वसलम जो है लिबास के मामले में वजाफता के मामले में बहुत नफासत आपकी लिबास की, बहुत नफासत अपने अमामे के नीचे आप बालों में हमेशा
तेल आप क्योंकि लगा देते हैं तो अमाने के नीचे के तेल का असर ना आ जाए उसके ऊपर, सफेद उस पर आप एक कपड़ा रखते थे, कपड़ा रखते थे उसको बचाने के लिए। तो ऐसे सिद्धिका फरमाती है कि कभी वो कपड़ा तेल से आलूदा नहीं देखा गया, हमेशा साफ, हमेशा साफ रहता। तो सफाई सफाई जो है वो इस्लाम की पहचान है। लिबास में नजाफत, सफेद लिबास को आपने पसंद फरमाया, इसलिए कि सफेद लिबास जो है शराफत और पाकीज़गी का निशान है। हमारी तरह थोड़ी है कपड़े में जितने धब्बे लगे हों, जितने नापाक कपड़े हों, वो आदमी बहुत ही नेक माना जाता है, बहुत नेक है। 6 महीने तक कपड़े मत धुलवाइए, 3 महीने मत धाइए, और आप मंजन मत कीजिए, मिसवाक मत कीजिए, टूथब्रश मत कीजिए। दांत आपके खड़े हुए हों, चेहरा आपका खड़ा हो, लिबास आपका खड़ियल हो, तो आप जो अल्लाह वाले हैं, आप जो कहेंगे वो पूरा हो। ये इस्लाम का दूर नहीं, नजाकत नजाफत में लीमान अपहार में लीमान लिबास को ऐलान करना ये वारिस वाकिफ में वरी था। अथर भी छुपे तुम्हारी जीनत भी, तुम्हारी शख्सियत में वखार आए, बेकाम आए। ये है ये मकसद, लिबास शख्सियत को वखार देने की, उसकी तराज फराज क्या हो, क्या कठिन हो, उसकी ये आपके पास भेजा गया है। हर मुल्क के लिबास एतबार से होता है, लिबास हर मुल्क के एतबार से होता है, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है, ऐसे लिबास कैसे दे सकते हैं, ऐसे लिबास और जगह नहीं पहन सकता है। अब गर्म मुल्क में मसलन एक अरब का जो लिबास है, अगर कहीं आप ताशकंद में पहन लेंगे तो आप जो आइसक्रीम बन जाएगी आपकी, आप तो अनवैन हो जाएंगे उसे पहन कर, कैसे आप जिंदा रह लेंगे। और इस्लाम जो सारी दुनिया के लिए आया है वो कैसे दे सकता है आपको ऐसी कोई तालीम, जो गुजराती के एतबार से होता है लिबास। बस आपको ये रहनुमा एक गाइड उसूल दे दिए गए, तफाखुर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तशब्बो नहीं होना चाहिए। किसी कौन का पहचान होती है जो मजहबी तशब्बो का आप समझ लें, तशब्बो क्या चीज है, पैंसठ आप पहनते हैं क्या ये तशब्बो है, इस जमाने तशब्बो नहीं है इसमें। कोई भी आदमी पैंसठ को देखे नहीं समझता कि कोई क्रिश्चियन जा रहा है, नहीं समझता है, तमाम दुनिया का आलमी लिबास हो गया है, याद इसको पहनना ऐसे ही जैसे ये मैं शेरवानी पहन रहा हूँ। पहले हिंदू राजे महाराजे पहनते थे, अब उलमाए किराम पहनना है तो तशब्बो तो नहीं है ये, क्योंकि अमू में बलवा हो गया, सब पहनने लगे, लिहाजा वो तशब्बो के दायरे से निकल गए। अब जो टाई के सिलसिले में एतराज करते हैं थोड़ा उलमा, वो ये मान के करते हैं कि ये टाई नहीं है वो किरात है, जो जो ईसाइयों की मजहबी अलामत होती है, अच्छे को मजहबी अलामत है इसलिए नाजायज है। कुछ लोग कहते हैं मजहबी अलामत नहीं है किरात, जबकि एक लिबास का जूस है वो जायज कहते हैं। बाकी इतना बड़ा पता नहीं है, इस्लाम ने जो उसूल दिए हैं वो ये दिए हैं, ये उसमें एक तो तफक्कुर होना चाहिए आपका सफेद कुर्ता है, और तफाखुर ना हो, बेहद महंगा लिबास नहीं होना चाहिए, बेहद कीमत, और उसके साथ तशब्बो नहीं होना चाहिए, किसी मजहब के साथ किसी मजहबी अलामत की पहचान ना हो। बाकी जैसे बांध रहे रुमाल आप बांध के आ गए, रुमाल ये जैनी है, इस तरह क्या है, ये आदमी कंफ्यूज हो रहा है, इसकी इजाजत नहीं, ये ना जाए। उसके बाद जो कुछ भी है वो सब जायज है आपके लिए, हर लिबास जायज है दुनिया, वही तो अल्लाह ताला फरमा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पूरी जन्नत में सब जगह जाओ, तुम्हें किसी चीज की मानियत नहीं है, इस दरख्त के पास मत जाना, अल्लाह तक हादिस है जरा इस दरख्त के पास मत जाना। इसका मतलब ये था कि तमाम जन्नत तुम्हारे लिए खुली हुई है, मैं किसी चीज से रोक नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वफादारी की आजमाइश के लिए एक अलामत का इंतखाब कर रहा हूँ कि फिर रुकोगे नहीं। ये गया इस बात की अलामत थी कि जिस दुनिया में तुम जा रहे हो वहां भी दुनिया की सारी चीजों से मैं तुमको रोकूंगा नहीं, ये मत खाओ वो मत खाओ, सब चीज खाने की इजाजत दूंगा, सब चीज पहनने की इजाजत दूंगा, दुनिया की हर चीज से फायदा उठाने की इजाजत दूंगा, बस दो एक चंद रुकावटें लगाऊंगा, उन्हीं रुकावटों में मेरी इताअत और मेरी नाफरमानी की पहचान थी। आदम अलैहिस्सलाम को एक ट्रेनिंग इस बात की कराई गई कि औला तकरबा हमी से जाए, उसी को लाने फरमाया कि लिबास तकवा से होशियार रहना है, शैतान तुमसे यही जज्बा छीन लेना चाहता है, बस अंदर से शर्म छीन ले, जब शर्म छीन जाएगी तो ऊपर के कपड़े भी उतर जाएंगे, जब ऊपर के कपड़े उतर जाएंगे और निगाह का पानी मर जाएगा तो फिर हर गुनाह के लिए तुम प्रिपेयर हो जाओगे, फिर कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी, फिर कोई बात समझ में नहीं आएगी, कुरान की आयत और हुजूर की हदीस तुम्हारे दिल पर असर नहीं करती, कल्चर की चमक दमक असर नहीं करती। हमने देखा है चुनाव जो हजरात मुसलमानों को माशाल्लाह ऐसे बड़े बड़े फराखदिल लाते हुए, जहाँ 1.5 लाख रुपया मुसलमानों के पास आया, सबसे पहले बेगम सारा स्टूडियो के डीजे बैठती है नकाब उठाते हैं 1 लाख रुपए, दूसरे लाख में अफजे सानी की स्कीम बनाते हैं मुसलमान साहिबान, पता ही नहीं चलता। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में आप जाइए तो लगता है कि मुसलमान मर्द जो है वो तो कमाने के लिए पैदा किए गए, औरतें मेकअप के लिए पैदा की गई, वही हम अपने ओखला में देखते हैं, जहाँ जरा थोड़े से पैसे आए कारोबार चल निकला, जरा किस चीज में ज्यादा फायदा हो गया तो स्टार्ट कर ली थी, ज्यादा फायदा हुआ डीजे हो गई कपड़े उतारे फेंक दे रही, ज्यादा फायदा हो जाएगा तो मालूम कपड़े दिल्ली उतार के फेंक दे। तो ये जो है जिस लोगों ने कल्चर नाम रखा है ये शैतान का बहुत बड़ा फरेब, शैतान जानवरियत को हैवानियत को आपके सामने कल्चर की अलामत बना के पेश कर रहा है।
बल्कि यूं कह रहा है कि यही है दानिश्वरी और कपड़े पहनने में जिहालत है। क्या बकिया होती है कपड़े पहने की बात थी, ये भी बात थी। अभी सब इंसान एक जैसे होते हैं, इंसान किस कदर गैरियत की बात हमने उसने देखा है। ये हमारी उगला में जो फाइव स्टार सोसाइटी तस्कील पा रही है उसमें ये है, यही कोई बात हुई कि घर के ऊपर आए तो भारती जो है बेगम साहबा ने कह दिया कि नहीं ऑफिस गए शाम को आइएगा 5 बजे के बाद। ये बात की घर में बुलाए अंदर बात करे, ये है वह है, अपने घर वाले ही कहाँ समझे। अगर यहाँ तरफ मेराज ये नहीं बचा देना चाहता है जहाँ इसको लगा आगाह कर रहा है ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये खुदा की पहली हिदायत है जो खुदा ने शुरू में हिदायत की थी इंसान को जमीन पर उतारते वक्त ताकि वो नसीहत पकड़े। याद रखे इस बात को, शैतान कहाँ हमला करेगा, तुम्हारी कमजोर रथ कौन सी है, ये तुम्हारी कमजोर रंग है, कमजोर रथ कौन सी है, ये तुम्हारी कमजोर रंग है। कल्चर के रास्ते से वो तुम्हारे जहन को बदलता है, तुम्हें दिन से महरूम करता है। आदमी की बीवी खुशी होते कहता है वाह दोस्तों ने मेरे देखा ही नहीं, तो कोई मजा तो आया नहीं, जरा रो पड़े तब तो बात है। लिहाजा बेगम साहब आप आइए अपने उनसे देखा जाएगा। इस बार आदमी आ गई, अब उसकी बात आदमी सोचता है जरा चमक दमक हो, जरा खाप लेके मार्केट में घूमो, जरा दीदियाँ गिरे दूसरे के दिल के पर तो बात बनती है, उसके साथ में लेके चल रहा है। अब बात एक ऐसे मरना को ढूंढता है जो कहते हैं हाँ सज्जा वज्जा इस्लामी कहे जा रहे हैं। उसके बाद आदमी फिर सोचता है यार वो सब बाल तो खुल ही जाते हैं, बाल में क्या है। फिर धीरे धीरे आदमी मजहब से हट करके मतलब खिलाफ हो जाता है यार ये भी बात है कि हर बात मजहब टांग आता है अलग हर चीज में, हर चीज में ये मत करो मत करो मत करो छोड़ो, मेरी बीवी तो बाहर निकलेगी कपड़े भी डालेगी डांस भी करेगी क्लब भी करेगी और मजहब को सलाम कर लेगा। आज तमद्दुन का सफर जो कल्चर से शुरू होता है वो मजहब से बगावत से ऊपर जाकर खत्म होता है। लोग इस बात को समझते हैं बेहयाई से शुरू होता है वो कल्चर जो बगावत से दीन से खत्म होता है, बेहयाई से शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाया तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम अपने आप को हुदूद में रखो, अपने आप को हुदूद में रखो, गालिब है ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और आगे फरमा रहा है या बनी आदमा ऐ आदम के बेटो लायसरन नकुम शैतान, शैतान तुम्हें कहीं भटका ना दे। ऐ आदम के बेटो याद रखना बाप का दुश्मन दुश्मन होता है, तुम्हारे बाप को बहकाया था इस शैतान ने, तुम उसी आदम के बेटे हो। कैसे बहकाया था, कैसे कपड़े उतारे थे, ये आदम के बेटो जिसने तुम्हारे बाप के कपड़े उतारे थे एक बार वो बेटों के कपड़े भी उतारना चाहता है। इसलिए अल्लाह ताला आदम के बेटे कह रहा है, इंसानों नहीं कह रहा है, ऐ आदम के बेटो तुम आदम के बेटे हो, तुम्हारे बाप के कपड़े उतरवाए थे इस शैतान ने, और बाप का दुश्मन हमारा दुश्मन हुआ करता है। ये कितनी बड़ी बेगैरती की बात होगी कि बाप के दुश्मन को हम न सिर्फ दुश्मन नहीं समझे बल्कि उसको अपना सबसे बड़ा दोस्त और खैरख्वाह समझे और उसके बताए गए उसूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करें अपने दुश्मन के, ये कितनी बड़ी बेवकूफी होगी। तो या बनी आदम है आदम के बेटो लाया फिर नकुम शैतान, शैतान तुमको कहीं भटका न दे। कमा खजा अबवैकुम जैसा तुम्हारे बाप से किया, यंस जो अनुमा लिबास अहुमा उसने उनके कपड़े उतरवा दिए तुम्हारे बाप। तो अपने बाप को याद रखना, अल्लाह ने हिदायत दी थी ये हमारा सवादीमा, वो उनके शर्म के हिस्से दिखाना चाहता था, एक दूसरे को शर्म के हिस्से दिखाना चाहता था यहां से। और आदम ने अपने शर्म के हिस्से को छुपाने की कोशिश की थी, जिसका मतलब ये शैतान कपड़े उतारवाना चाहता था और तुम्हारे बाप बिरहनगी नहीं चाहते, वो तसत्तुर चाहते। शर्म उनकी फितरत में थी, हया तुम्हारी फितरत में शामिल है, तुम्हारी फितरत का जूस है, इसको याद रखना। ये तो शैतान ने जबरदस्ती हया से तुम्हारे बाप की लड़ने की कोशिश की थी दुश्मनी के नाते, तुम एक बार फिर कहीं उसके मशवरे को मत चलने लगे। ये अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है इन्नहु यराकुम हुवा वकबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, क्योंकि शैतान और उसका कबीला वहां से तुमको देखता है जहां से तुम उसको नहीं देखते, वहां से उसकी चालें समझ में नहीं आती, वो वहां से वार करता है कि पता भी नहीं चलता कि यहां से शैतान वार कर रहा। वो कल्चर के नाम पे वार करता है, तमद्दुन के नाम पे वार करता है, रहनुमा बन के आता है, फिलासफर बन के आता है, लीडर बन के और दानिश्वर बन के आता है। आपको पता भी नहीं होता ये दानिश्वर नहीं है शैतान है, ये फिलासफर नहीं है शैतान, ये फलसफे नहीं है शैतान के फलसफे है। इन्नहु यराकुम हुवा वकबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो वहां से आता है जहां से तुम उसको देख नहीं, पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते तुम। तुम तो खो जाते हैं, यार बात तो बहुत प्यारी है, जैसे दानिश पर आते और चश्मा हिलाया और कह दिया, मौलवी साहब ने कह दिया बेहयाई क्यों पैदा होती है, कपड़े से पैदा होती है बेहयाई, कपड़ा इंसान ने पहना इंसान में बेहयाई आई, हाथ हमने शुरू से दिखाया, हाथ को देखकर तो हमारे अंदर कोई शक पैदा नहीं होता है, लेकिन चूंकि कपड़ा हमने पहना एक जगह पर इसलिए हमारे अंदर एक उसके अंदर से यानी तजस्सुस पैदा हुआ कि देखे का चीज को छुपाया जा रहा है, इस तजस्सुस से हया पैदा हुई, किसी से बेहयाई से दुनिया में आई। अगर ना कपड़ा होता ना सारे जज्बे होते,
अब मर्द और सब बराबर होते हैं, जैसा जिसम वैसे जिसम के सारे आजा होते। आदमी हम बातों में फूलने वाते जिस चीज से रोग अदा उसकी ज्यादा चाहत पैदा होती है। बेपर्दी वाकई बेपर्दगी की बहुत बड़ी दलील है। औरत घर में होती है तो देखने को ज्यादा दिल चाहता है, सड़क पे आ जाओ तो देखने को दिल नहीं चाहता है। उसे ज्यादा दिन साथ रहे तो उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता है। आदमी दो गज बच के निकलता है उससे। तो आखिर इलाज यही है औरत की कशिश खत्म करने का, उसको बदल लिया उसको। बात दलील तो मकबूल है शैतान की। औरत तो इसलिए अट्रैक्टिव है कि घर में छुपा के रख लिया इन लोगों ने, सड़क पे लाके डाल देते सारा अट्रैक्शन खत्म हो जाता। अब आप बाहर ले आए औरत को, अगली दलील क्या होगी? अभी तो इसमें अट्रैक्शन बाकी है, अभी इसके कपड़े तो उतारिए ताकि अगले वो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाए, हर चीज आपके लिए बिल्कुल आम हो जाए। जब आम हो जाए तो फिर आगे आगे यूं कहेगा, हाथ से आपने मुसाफा चल लिया तो क्या हरज है, अगर आपने किसी को पानी पिला दिया तो क्या हरज है, अगर आपने इसकी कोई जिनसी ख्वाहिश पूरा कर दी तो क्या हरज है, कौन सी बेहयाई होगी। एक जरूरत है भूखे को खाना खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना, किसी की ख्वाहिश पूरी कर देना, ये तो बहुत बड़ा अखलाक है। इसमें बड़ अखलाकी की बात कौन सी है? जलाई का सफर करते करते आपको वहां लेकर उस गड्ढे में ले जाके मारेगा जहां आपको पानी भी नहीं मिलेगा। ये शैतान के जलाई की तरतीब हुआ करती है। इन्नहु यराकुम वा कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो वहां से वार करता है जहां से तुम देख रहे हो। और जो दुश्मन छुपा हुआ हो उसका हमला बड़ा शदीद होगा। दुश्मन अगर सामने हो तो पता है कि हमारा दुश्मन है, आप बचाव कर सकते हो। और जब आप दुश्मन को देख न रहे हैं तो पता नहीं कहां से हमला कर ले, पता नहीं कौन सी दलील आपके दिमाग में घुसे, क्योंकि आपको देखते रहे नहीं। वहां तो आपके खून में दौड़ रहा है, आपके दलाइल में ढूंढ रहा है। वो शैतान पता नहीं फलासर की शक्ल में भी हो सकता है, दानिशर की शक्ल में भी हो सकता है, वो हजरत मौलाना की शक्ल में भी हो सकता है। शैतान का क्या है, हजार रूप बदलता है, हजार बार रूप बदलता है, उसको कोई देख नहीं सकता है, वो सबको देखता है। उसके मुकाबला करने की तरकीब तो यही है कि आप अल्लाह की पनाह में आ जाइए जो सबको देखता है और उसको कोई देख नहीं सकता, उसकी पनाह में आ जाइए। इन्नहु यराकुम व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो तुमको वहां से देखता है जहां से तुम उसको देख नहीं, वहां से हमला करता है तुम्हारे पास जहां से तुम उसको कैच नहीं कर सकते। इन्ना जअलना शयातीन औलिया अलिल्लज़ीन ला युमिनून, और शैतान को हमने उनका दोस्त बनाया है जो ईमान वाले नहीं होते। लगातार बता रहा है आदम के बेटो, शैतान तुम्हें उस गड्ढे में ले आके मारना चाहता है। और कितने अफसोस की बात होगी कि तुम अपने बाप को दुश्मन को दुश्मन समझने के बजाय और उसको अपना दोस्त बना रहे हो। इसलिए करते खाली कर उसको दुश्मन ना समझते, तुमने तो उसको मुर्शिद पीर मुर्शिद बना लिया अपना। जो वो कह रहा है वो कर रहे हो, जो रसूल कहते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है, जो खुदाई किताबें कहती हैं उनकी कोई मानता नहीं है। और जो शैतान तुम्हारा दुश्मन कहता है उसके बाद लोग अपने मताया दिलो जान छावर किए देना है, कैसे अफसोस की बात। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ईमान नहीं होता। जब अल्लाह के वादों पर अल्लाह की बातों पर ईमान नहीं होता, सच्चा यकीन नहीं होता खुदा की किताब पर खुदा के रसूलों पर, तो आदमी शैतान का शिकार होता है। वही वली बनते हैं शैतान के जिनके दिलों में ईमान नहीं होता। इन्ना जअलना शयातीन औलिया अलिल्लज़ीन ला युमिनून, हमने शैतान को उनका दोस्त बनाया है जिनके दिलों में ईमान नहीं होता। तो शैतान से मुकाबले का तरीका क्या है कि आप अपने अंदर ईमान पैदा करें। ये तरीका, ईमान आपके दिल में होगा तो शैतान कभी आपके पास नहीं पड़ सकता। जब ये कोई फाहिशा करते हैं ये मुशरिकीन, आलू जब ना आ रही है आवाज कहते हैं ऐसे ही होता आया है हमेशा, अल्लाह का मराना भी है, अल्लाह का हुक्म है, ऐसे ही है। हज में जो है नंगा बिराना पिराइड कराते थे, अपने आप तो कपड़े पहनते थे बुराई, क्योंकि इशराफ थे व्हाइट कॉलर, दूर से जो जलील चाराजी उनकी औरतों को नजारा करना, मजहबी नजरबाजी, मुकद्दस नजरबाजी, खाने काबा में एक से एक औरत आ रही है, देख रहे हैं हज के नाम पर, वो तो बेचारी जन्नत लूट रही है, ये उसके जलवे लूट रहे खड़े, ये अंदाज था। और यह दौर में क्या है मजहबी लोगों ने, क्या मंदिरों में देवदासियां नहीं होती हैं? प्रभु जी और पंडित जी, और पंडित जी के जिस्म को बिल्कुल जब ही इबादत में रूहानियत आती है, जब मादियत ना हो, और ये कपड़ा तो मादियत का जूस है, ये तो मादा ही दुनिया का जूस है, लिहाजा जो देवदासी है लाजमी तौर से वो नाबालिग या 17-18 साल की होंगी, और जो पंडित जी हैं वो भी बिल्कुल बहना होंगे, हालांकि वो 60-70 साल के होंगे, और ये गजसन देंगी, चंपी करेंगी, सब कुछ करेंगी, रूहानियत के मराकिस और मराहिल तय हों, ये सब होता है नहीं होता। मजारों के मुजाविर ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तावीज करने वाले, अमलियात करने वाले ताजिर ऐसा नहीं करते हैं क्या? औरतों की जरूरत से नहीं खेलते हैं? गृहनगी के अंदर तकद्दुस के नजारे पैदा नहीं, हमारे अंदर नहीं गए सारी लानत। मद्रास में आप जाके देखिए पीरा साहिबा है, लोग इंतहाई बेहयाई के साथ अपनी खवातीन की खिदमत पेश कर देते हैं, मेरा तो मुशाहदा है। पीरा साहिबान है वहां पर, अपनी खवातीन समझते हैं पीर साहब को दस्त शफकत हो गया तो बस कल्याण हो जाएगा,
मैं था वहां पर 1970 का ही वाक्य है। मैं गया वहां पर, बहुत बड़े पीर है, मैं बात अपडेट देखी तो मेरे बहुत पीछे पड़ गए। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया तो उनका उनका वाक्य उन्हीं दिनों पेश आया कि एक लड़की को बंद कर लिया अपने हुजरे में, लड़की बाहर शोर मचा के निकल आई गहना हालत में, तो उसका बाप कह रहा है दीवानी पीर साहब तुझे नवाज रहे थे, क्यों क्यों भाग गया, पीर साहब नवाज रहे थे, पीर साहब नवाज देते हो कि शायद पता नहीं जन्नत के जितने मराहल तय कर ले। हर दौर में नकली मजहबी लोगों ने जिनकी फहाशी के कारोबार मजहब के दायरे में किया और उसके लिए अल्लाह का हवाला तलाश करते हैं, मजहब का हवाला तलाश करते हैं। ये चौबीस घंटे वाले जिनका असर हो गया है, हवा का असर हो गया है, लाइन खींचेगी, हाथ से लकीर खींचेगी, खत खींचेगा जिसम के ऊपर औरत की चुनाई में खींचेगा, न बाप हो न भाई हो न कोई हो, बस नए हो रही है सब होता है। और कह देते हैं अपने जरान खानों की इज्जत को कुर्बान करते हैं लोग, अल्लाह के आड़ में खुदा की आयतों की आड़ में एक खिलवाड़ नहीं होता है, बिल्कुल होता है। ये हालत हमारी इस कौम में है कि कोई प्रोटेस्ट करने वाला भी नहीं, ऐसी बातें कह दो तो लोग कहते हैं बदअकीदा गुमराह है, जहन बिगाड़ रहे हैं। समझाए अगर आपको तो ये दस आदमी कहने वाले मिल जाएंगे जहन बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ने तो हमारी औरतों की इज्जत है, खेले तो हमारी असमत हो, मजहब के दायरे में सब कुछ होता है। वही बिल्कुल मुश्किल मक्का करते थे, वही फालू खाएम फालू ना अल्लाह हमारा ना भी है, अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है तो होता चलाया, होता चलाया, देख रहे हैं क्या होगा, देखने में क्या, अल्लाह का घर है, पाक घर है, खुदा के दरबार में सब बराबर है, उसका कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं, अल्लाह सबको देखता है, फिर कपड़े से छुप जाएंगे, खुदा के दरबार में कोई पर्दा नहीं, ये दलील होती है। ऐसी खूबसूरत जुमले ये नजरबाज मजहबी नजरबाज तलाश कर लिया करते हैं। खानकाहों में पादरियों ने कितने कुछ किए, न्यासतबूरी किताब देखें आप, जिनसी तरदीबात खानकाहों के अंदर रहबाएं रहती हैं और उनके साथ वो रहते हैं। अभी देखें आप पिछले हफ्ते जो जो ये इनके आश्रमों के वहां हैं ब्लू फिल्म का वक्त बना रहे हैं अपनी देवदासियों के साथ, अपनी मुरीदनियों के साथ ब्लू फिल्म बना रहे हैं, ब्लू फिल्म का कारोबार कर रहे हैं, पुलिस छापे मार रही है, ब्लू प्रिंट निकल रहे हैं आश्रमों के अंदर, सैकड़ों हजारों के साथ जिनाकारियों का कारोबार फैला हुआ है। मजहब की आड़, तकद्दुस की आड़, गृहनगी जो है जिनका इबादत बन जाए, और जब लोग शर्म हया गुमा रहे ताक रख दें, यह मजहब में होता है, हर मजहब में होता चला रहा है, और फिर अल्लाह का नाम ले लिया करते हैं। उसको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब ये फौज करते हैं कि जिस तरह का पूछे इनसे कुछ, तो कहते हैं हमें तो अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया है, कुल इन अल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, आप इनसे कहो अल्लाह कभी फौज का हुक्म नहीं दिया करता। खुदा की जो सिफात हैं वो सिफात बंदों में उन्हीं सिफात का हुक्म देता है, वो रहीम है आप रहीम बनिए, वो गफूर है आप गफूर बनिए, वो वदूद है आप वदूद बनिए, वो बाहया है आप बाहया बनिए, जो उसकी सिफात है खुदा की वो आप अपने अंदर पैदा की, इसलिए वो अपनी सिफात का तस्करा करता है। अल्लाह कभी फहशा का हुक्म नहीं किया करता, वो ऐसा तमद्दुन नहीं चाहता जहाँ निगाह नापाक हो जाए, दिल नापाक हो जाए, रिश्तों का एहतराम खत्म हो जाए, खानदान के ढांचे टूट फूट जाए, माँ बहन का एहतराम न रहे, ऐसा माहौल अल्लाह की दया के तहत नहीं बना सकता है, खुदा इसका हुक्म नहीं दिया करता है। तुम एक ऐसी बात कहते हो जो बिल्कुल गलत है, सरासर जहालत। अल्लाह ताला तो बंदगान खुदा की फलाह के उसूल पेश करता है, वो उनको निगाह दिल की पाकीज़गी के उसूल अता करता है। इस्लाम की बुनियाद पर जो तमद्दुन तामीर होता है वो पाक तमद्दुन होता है, पाकीज़ा तमद्दुन होता है। वहां तो बीवी से भी ताल्लुक जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता, रूहानी ताल्लुक होता है, बीवी का ताल्लुक भी जिस्मानी ताल्लुक नहीं होता बल्कि रूहानी ताल्लुक होता है। इतनी सेक्सुअल वो नहीं है जो लोग समझते हैं कि मियां बीवी का ताल्लुक कोई जिस्मानी जरूरत का ताल्लुक है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो बाहर जो औरत से निकाह टूट जाया करता, या जिस तरह की बातें होती, इसका मकसद है एक रूहानी ताल्लुक, एक रूहानी ताल्लुक का ख्याल, एक सोशल पैक्ट चाहिए या बीवी के दरमियान बच्चों की परवरिश से वो रूहानी ताल्लुक मजबूत होता है, मजबूत होता है। तो अल्लाह ताला ने मियां बीवी के ताल्लुक को भी एक रूहानी ताल्लुक करार दिया है। दुआएं इसलिए बताई गई हैं, जब आपकी आप बीवी आपके पास आए तो आप ये दुआ पढ़ें, बाल पकड़ के ये कहें, अल्लाह के रहम करम का हवाला दें, हर मौके पर एक तकद्दुस का रंग है बीवी के ताल्लुक से भी, बीवी के ताल्लुक से भी। तो इस्लाम की तालीमात तो पाकीज़गी की तालीमात है, खुदा कभी फाश का हुक्म नहीं देता, ये अल्लाह ताला ने कहा। फरमाया बुनियादी जड़ जो है तमद्दुन को बर्बाद करने वाला, जो असल कैंसर है, जो असल एड्स है, उस पर अल्लाह ताला ने उंगली रखी है, बता दिया है कि यहाँ से फसाद फैलता है। निगाह खराब होती है, फिर दिल खराब होता है, फिर पूरा तमद्दुन और निजाम इज्तिमा फासिद हो जाता है। आदमी धीरे धीरे शैतान के जाल का शिकार होता है, अपनी अपनी चोंच से अपना ही फंदा कस लेता है, समझता है कि ये कामयाबी का रास्ता है, कल्चर का रास्ता है, हालांकि खुद अपने घर को, अपने बीवी बच्चों को बर्बाद करता है और तबाही और हलाकत के रास्ते पर जाता है। ये इंसान शैतान की चाल में आ जाता है।
उसको लगाया। एक बार फिर मैं आज को सजना की देता हूँ, आदम के बेटो हमने लिबास को तुम्हारी फितरत के अंदर डाल दिया है। ये लिबास इसलिए है ताकि तुम्हारी शर्मगाहें छुपाए और ताकि तुम्हारे लिए जीनत का सामान बने और ताकि तुम्हारे लिए आराम कर सके। और तकवा का लिबास ये सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की वो हिदायतें हैं जो उसने तुम्हें दी हैं ताकि तुम उसे नसीहत पकड़ो। ऐ आदम के बेटो कहीं शैतान तुम्हें भटका ना दे, जैसा कि उसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकलवाया और जैसा कि उसने उनके कपड़े उतरवाए ताकि उनकी शर्मगाहें दूसरे को दिखाए। शैतान उसका कबीला वहां से तुमको देखता है जहां से तुम उसको नहीं देखते। हमने शैतान का दोस्त उन लोगों को बनाया है सिर्फ जो ईमान वाले नहीं होते। और ये लोग जब कोई फौज काम करते हैं तो कहते हैं हमने तो अपने आबाजात से ऐसे ही होता हुआ पाया। अल्लाह ताला बता रहा है आबाजात का हवाला दे रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा आबाजात तुम्हारे बाप आदम है। सबसे पहले बाप तो वो है। उन्होंने बेहयाई का रास्ता नहीं हया का रास्ता अपनाया था। शैतान उनको बेलिबास करना चाहा, उन्होंने अपना सदर छुपाया था। तुम कौन से बाप दादा का हवाला दे रहे हो बेहयाई के लिए? ये बेहयाई तुम्हारे बाप दादा से होती आई है। असल बाप दादा तुम्हारे तो आदम और हव्वा थे। असल माँ बाप तो तुम्हारे वो थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब ये कोई होश काम करते हैं तो बाप दादा का हवाला देते हैं और कहते हैं अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है। आप कहें रसूल अल्लाह कभी होश का हुक्म नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात कर रहे हो जो सरासर जहालत पर मबनी है? कुछ तुम्हारे दस के बारे में